साथियों, मैं भी कृष्णा घरेलू नुस्खे मार्केट चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे स्वस्थ रहने के कुछ नियम, मतलब कुछ हम कार्य अपने जीवन में ऐसे करें, प्रतिदिन हमारी जो दैनिक चल रहे हैं उसमें हम कुछ चीजों को शामिल करें और कुछ चीजों को हटा दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अधिक स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं, वो कैसे। आज की वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ स्वस्थ सुखी जीवन के कुछ नियम। सबसे पहले तो आप दिन की शुरुआत जब करते हैं तो हम पानी पीने से करते हैं, गुनगुने पानी से, लेकिन कभी गुनगुना पानी सादा मत पीजिए, इसको एक चीज का भी मत पीजिए, बदल बदल के पीजिए। कभी रात को थोड़ा एक आधी चम्मच जीरा भिगोइए उसका पानी पीजिए सुबह छानकर, थोड़ा गुनगुना करके, कभी अजवाइन का, कभी सौंफ का, कभी शहद डालकर पीजिए गुनगुने पानी में, कभी खाली नींबू डालकर पीजिए गुनगुने पानी में, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी आपकी, बॉडी एक्टिव हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से जब भी पानी पिए, कोई ना कोई चीज आप रात में जरूर आधा चम्मच भिगो दीजिए और सुबह से छान के गुनगुना करके पी लीजिए, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ अपने खाने में से जो दैनिक हम खाना खाते हैं उसमें से तीन सफेद चीजों को हटा दीजिए। सफेद नमक, उसकी जगह सेंधा नमक यूज करिए। मैदा से बनी हुई चीजें बिल्कुल हटा दीजिए। कभी महीने दो महीने में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाएं तो कुछ नहीं, लेकिन रोज खाएंगे बहुत नुकसान है। चीनी हटा दीजिए, चीनी का स्थान आप खांड को दे सकते हैं, गर्मी है तो खांड लीजिए, नहीं तो शक्कर यूज करिए, लेकिन सफेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये तीनों चीजें जहर है हमारे शरीर के लिए, कहो तो स्मोक पॉइजन है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर जमा होकर हमारा अंदर की चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसलिए ये चीजें बिल्कुल की बिल्कुल आपको चेंज कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब भी आप खाना खाएं तो 500 कदम तो जरूर ही जरूर खाना खाने के बाद टहलें। खाना खाने के बाद पानी ना पिए, खाना खाने से एक घंटा या आधा घंटा पहले पानी जरूर पी लें। पानी हमेशा बिना प्यास के पिए, लेकिन खाना कभी भी बिना भूख के ना खाएं। जब आपको बहुत अधिक भूख लगे खाना तभी खाएं, और जितना ज्यादा भूख लग रही है उससे थोड़ा सा कम खाएं। पानी बिना प्यास के पिए, जितनी प्यास लगी है उससे थोड़ा ज्यादा पिए। ये एक स्वस्थ रहने की ये वो कारगर नियम है, केवल आप अपनी दैनिक आदतों को बदलकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, दवाइयों से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ रात का खाना आपको हमेशा 6 नहीं तो 7 बजे तक तो खा लेना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी ठोस नहीं खाना चाहिए। रात को आप दूध पी सकते हैं, चाहे तो वो खजूर वाला दूध हो सकता है, वो मुनक्का वाला दूध हो सकता है, वो हल्दी वाला दूध हो सकता है। रात को भी दूध कभी भी प्लेन मत पीजिए और चीनी वाला दूध तो कभी मत पीजिए। मीठे वाला दूध बिल्कुल मत पीजिए, दूध प्लेन लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, उसके साथ आप खजूर ले सकते हैं, उसमें आप मुनक्का डाल सकते हैं और कभी कभी उसके साथ आधा चम्मच हल्दी ले सकते हैं। इस तरह से चीजें बदल बदल कर आपको रात के दूध के साथ लेनी चाहिए, लेकिन बाकी भोजन का पदार्थ कोई भी और नहीं लेना चाहिए। जब आप सुबह उठकर अपना मुंह धोते हैं तो मुंह के अंदर पानी भरिए और उसके बाद आंखों को धोइए। जब आप मुंह के अंदर पानी भर के अपनी आंखों को धोते हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है और आपका ये वाली जो नसें हैं ये सक्रिय हो जाती है, तो आपके सिर में दर्द नहीं होता, आंखें अच्छी हो जाती है, रोशनी तेज हो जाती है, आंखों में जल्दी से कोई फ्लू भी नहीं आता। तो ये कुछ दैनिक आदतें हैं जिन्हें यदि आप अपना लेंगे तो आप स्वस्थ जीवन जिएंगे बिना किसी दवाई के। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये कुछ टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। मिलती और जबरदस्त टिप्स के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।